क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो अभी मेरे भाई कर लो, क्योंकि ये पेपर आपको कल वाले पेपर में दिखेगा, तो मतलब ये दिखेगा, समझे। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो, ये पीछे मैंने आपको सेम क्वेश्चंस पहले भी करवाए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी देखो, क्योंकि ये जो टैंक फोर वाला है ये वाला इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। और ये जो आपको प्रीवियस ये मैंने मीडियन वाला करा दिया है, ये मीडियन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अकेले कल और आज के वीडियोस में आपको पूरी पूरी 47 मिनट, और ये जितने हो जाए ये आप सामने पीपीटी का है, तो मतलब ऑलमोस्ट मान लो आपके सामने सारा कंडीशन अप्लाई हो चुका है। जाके देखो। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 10th में, जो अगर आपका कल का एग्जाम है उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पिछले टर्म्स में करवा दिए थे, आप ये जाके चेकआउट कर सकते हैं कि जितने भी ये क्वेश्चन आपको मिले थे, क्योंकि ये सारे सारे कल आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं सेम पैटर्न पे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को नहीं दिखा है तो आप देख लो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आज फिल्टर हुए हैं वो मैं आपके सामने देख रहा हूँ, तो बस इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लेवल के हैं, और मेरे भाई ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए होगा, तो भाई ध्यान से सुनना। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रखे जाते हैं पेपरों के लिए, तो भाई आप कंटिन्यू एक एक पॉइंट को फोकस से देखना। आई नो दैट रात हो रही होगी, बट आप इस क्वेश्चन करके जाना। मेरे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि प्रूव दैट साइन 4 प्लस में cos 4 थीटा होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको पुराने बुक्स के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है। तो मेरे भाई आपके सामने सबसे पहला आंसर आता है इस तरीके से, जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे दिया है साइन की पावर 4 थीटा एंड प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है दोस्त, ये दे दिया हुआ। ब्रैकेट ऑन करो, यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट लगा दिया। अगेन आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डन इट भाई, इतना समझ आ गया। तो अब एक पॉइंट सोचो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे देखो, एक ध्यान से सुनना। ये जो है कहानी आपके सामने कुछ ऐसा है कि जो ये साइन स्क्वायर है, क्या भाई यहाँ पे ये इसको थोड़ा मिर्गी चटा क्या, देखो साइन स्क्वायर ये जो थीटा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब प्लस में ये जो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे होल अपॉन, क्योंकि देखो साइन की पावर 4 है तो साइन स्क्वायर की पावर 2 और 2 कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये 1 माइनस में 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगेन आपके पास ये है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। डनिज मेरे भाई, बात समझ आ गया। तो मेरे भाई अब एक पॉइंट देखो, यहाँ पे जो आपको कंडीशन दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये है कॉस स्क्वायर थीटा, इन सब कर दो कंप्लीट होल स्क्वायर, समझे दोस्त, ये बात तो समझ आ गया आपको। उसके बाद देखो ये नीचे आप एजिटिव रखो, क्या करो यहाँ पे इसको 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। डन है, ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। ये जब इतना चीज समझ आ जाता है तो आपको बस एक काम करना है, करना क्या है भाई, देखो इतने की जगह आपको एक आइडेंटिटी याद है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अरे तो लिख देता हूँ, देखो यहाँ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो ये आप क्या इससे तीन आइडेंटिटीज बेसिक वाले फॉर्मूला देखो भाई, कम्युनिटी पोस्ट में जो वीडियो कल पोस्ट हुई है जो वो आप जरूर देख लो, क्योंकि अगर आपने वो देख लिया तो आप वैसे भी मैथ्स पेपर में कुछ नहीं है तो पास हो जाओगे, और पाइथरी बोर्ड में शुरुआत से कर लेना, ये पॉइंट समझ गए। तो मैंने इसके जगह पे 1 रख दिया यहाँ पे, समझे भाई क्या करा मैंने, यहाँ पे इसके जगह पे कंप्लीट 1 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस में देखो अभी तो थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, देखो एक कंडीशन और कर सकते हैं, अगर हमें इससे एक्सपेंड करना है तो एक कंडीशन और लगाओ, देखो एक स्टेप और बढ़ाओ, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाओ, क्या कहता हूँ, जैसे मान लो आपके पास क्या यहाँ पे, अरे यार ये क्या पहना रहा है, देखो भाई थोड़ा सा भाई देखो पता नहीं क्या कर रहा है, ये हैंग का चक्कर पड़ रहा है क्या है रे, देखो भाई ये क्या आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर प्लस में ये था आपके पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है भाई समझ गए यहाँ पे, तो ये कंडीशन हो गया। इसके बाद आप इसको ना आप एजिटिव ब्रैकेट में रखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया, अब प्लस में क्या हो गया 2ab, तो साइन स्क्वायर ए थीटा ये था 2ab कॉस स्क्वायर, समझिए भाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर में ये 1 है, और नीचे आपके सामने क्या है कंप्लीट ये 1 माइनस में
टू साइन स्क्वायर थीटा, ये था आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं बताता हूँ आपको, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर, ये कंप्लीट मैंने इसके पीछे स्क्वायर ही रहने दिया, फिर आगे मैंने खोल दिया टू ए डी, एक्सपेंड करता अल्टीमेटली बात वही बनता। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि भाई इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई इसके लिए मैं क्या कर सकूँ, इजिली वहां पे वन पुट कर सकूँ जो मैंने आपको पहले पीछे बताया है। फिर आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपके पास है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन नीचे आपके सामने देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये कंप्लीट आप क्या करो कट आउट कर दो। कंप्लीट कट होने के बाद आपके सामने क्या है देखो, ये जैसे हमें चाहिए था, क्या चाहिए था भाई यहाँ पे वन चाहिए था, हमने क्या करा इसको काट कर दिया, कटने के बाद क्या हुआ यहाँ पे वन बच गया, वन बराबर वन जो कि आपके सामने है, एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस। ठीक भाई समझिए, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा रफली समझा रहा हूँ मेरे भाई, क्या देखो भाई समझिए, यहाँ पे देखो यहाँ कंडीशन समझना मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा था साइन स्क्वायर, साइन की पावर फोर था, कॉस की पावर फोर था, मैंने क्या कहा साइन के ऊपर स्क्वायर लगा इसकी पावर टू कर दी, कॉस पर स्क्वायर लगा इसकी पावर टू कर दी, ये वन माइनस टू साइन कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, फिर इसके आइडेंटिटीज खोली, इसके साथ एडजेक्टिव रहने दिया, यहाँ पे वन वैल्यू पुट किया और ये सारा सारा काटेपिटी हो गया, ये आपके पास रामबन है। और इससे पहले जब आप यहाँ पे प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन में जाओगे तो मेरे भाई प्रूफ डेट वाले में एक ये वाला जो सात वाला प्रोडक्ट होता है वन प्लस में ये था कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप याद रखना, ये देखना ध्यान से सुना, वन प्लस में रहेगा क्या चक्कर है, देख दोस्त यहाँ पे वन प्लस में ये था कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे sec स्क्वायर के बराबर क्या था वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये भाई रूट डेट के लिए राम वाला आपके क्वेश्चंस आएगा। इससे पहले आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस ना इम्पोर्टेंट इवन अभी भी 2-3 घंटे के अंदर भी कर लोगे तो आपके पूरे नंबर बन जाएंगे वो जो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस वो सारे। तो भाई यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का है, ये क्वेश्चंस मैं एज इट इज आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। अभी देखो यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चंस आया हुआ है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो मेरे यहाँ पे ये क्वेश्चंस कराने का मतलब बनता नहीं है। हाँ बट ये पावर वाले नहीं हुए थे जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप जरूर कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएगा, कल वाली वीडियो देख लो। उसके बाद आपके सामने आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि आपको यहाँ पे लिख रहा है ये इंटरनली रेशियो, आप जानते हो कि ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने बी है, आप जानते हो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप मान लो पी, ये है आम रेशियो एम रेशियो, समझे, कोई कोई भाई एम एन भी मानता है, कोई एम वन एम टू भी मानता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पे अगर हम ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एम वन एम टू करके करते हैं तो आप इसको एम वन एम टू करके कर लो। देखो भाई ये पॉइंट है आपके सामने पी, ये हो गया आपके पास एम रेशियो वन और ये हो गया एम रेशियो टू, देन भाई आपके पास एक पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपके पास गिवन है ये गिवन है 7, -6, ये जो गिवन है आपके सामने 3 और 4 गिवन है, रेशियो कितना है ये था आपके पास 1:2, सिंपल सिंपल बात है। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है भाई क्या आप लोग बता सकते हो कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे इस समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा या यहाँ पे आपके पास सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ जब तक भाई मैं सॉल्व करता हूँ। देखो दोस्त जब इस तरह कंडीशन आता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये है 12:21, क्या भाई 12:21, देखो यहाँ पे आपके लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगेगा भाई यहाँ पे ये लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि मैं भाई यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो उसी में होता है, तो देन मिलते अभी देखो फॉर्मूला लगा देते यहाँ पे, देखो फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला होता है ये था एम वन ये एक्स टू प्लस में एम टू वाई बार, समझे, और सॉरी वाई क्यों ले लो, एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है एम टू एक्स वन, समझे दो, इसके नीचे लो यहाँ पे एम वन रेशियो ये था एम टू ब्रैकेट, आई मीन ब्रैकेट बोलते सेपरेट, कई बच्चे यहाँ पे प्लस लगाते थे, प्लीज आप मिस्टेक मत करना, समझे, फिर अगेन ये बारह लाना है एम वन वाई टू, समझे, फिर आपके पास एम टू वाई वन, क्योंकि 12:21 बनाना है एम प्लस में एम टू, क्योंकि आपको पहले एक्स की रिस्पेक्ट देनी है तो पहले एक्स में फिर आपको वाई, देना भाई चलो फटाफट से देखते हैं यहाँ पे, फिर आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ गया है, अब हम करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। आपके सामने ये जो गिवन है आपके लिए ये आपका एक्स वन है, क्या भाई ये जो पहला है ये आपके साथ एक्स वन है, ये आपके पास वाई वन है, ये आपके पास एक्स टू है, ये आपके पास वाई टू है, इतनी बात तो समझ गए होंगे, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं।
मेरे भाई एम वन की वैल्यू कितना है आपके पास, एम वन की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 लिखा आपने, यहाँ मल्टीप्लाई, और एक्स टू कितना आपके पास, ये है आपके पास 3, इसे ब्रैकेट क्लोज कर लो, प्लस ले लो। एम टू की वैल्यू कितना है, एम टू की वैल्यू है आपके पास में 2, ब्रैकेट लो, एम वन की वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, डन है भाई, इसके नीचे ले लो, और एम रेशियो टू 1 प्लस में यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ये 2 है, अरे भाई रुक जाओ भाई, ये है 2, ये है 1 कॉमन, एम वन है, एम वन की वैल्यू कितना आपके पास 1, वाई टू की वैल्यू कितना है 4, प्लस एम टू वैल्यू कितना है, ये है 2, एम वन की वैल्यू कितना है माइनस का 6, भाई माइनस और ब्रैकेट जब लगाना 1 प्लस में 2, डन हुआ भाई। इतनी बातें तो समझ आ रही होगी मेरे भाई, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके पेपर में कल आ जाएंगे तो 2-4 नंबर मिल जाएंगे, तो भाई अच्छी बात है समझे, नहीं तो फिर भाई देखो दिक्कत वाली बात है मेरे भाई। मैथ्स 3 देखो, ये हो गया आपके पास 3, अरे हो जा भाई क्या हो जाए इसको, एक भाई एक देखो भाई एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा हैंग हैंग चक्कर पड़ गया, अरे भाई तू हट जा भाई, देखो ये था आपके पास, ये थे आपके पास, ये 3 हो गया है प्लस यहाँ पे 14, ये हो गया 3 कॉमा ये 4 प्लस आई थिंक, देखो ये तो आप एक प्लस ही लगा लो, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 3, तो अगला कर लेते हैं यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये हो गया 17 अपॉन में 3, एक ये और 4 में से कितना आ जाएगा, तो ये माइनस का 8 अपॉन में 3, दैट मीन्स कि आपके सामने जो आपके सामने रेशियो है वो 17 अपॉन में 3 है, वो माइनस 8 अपॉन में 17 3 माइनस 8 अपॉन में 3, ये था भाई आपके सामने एक प्यारा सा सवाल, जो कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भाई आपके पास बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, तो आप समझ आ रही होगी भाई, देखो मैथ्स के अंदर आप वीक रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही चीज है भाई, आप प्रीबोर्ड का इंतजार करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और 110% आप यहां से 90 प्लस ले जाओगे, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और टॉपर सीट आप जरूर देख के जाना पेपर में, अपने ऐप पर मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर 110% आएंगे, क्योंकि भाई आपके सामने ये लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट, जब भी भाई आपके सामने ये क्वेश्चंस ये वर्ड आ जाए, जब भी आपके सामने ये वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि भाई पेपर वैसे ही इम्पोर्टेंट बन चुका है, समझे भाई, ये वाले वर्ड जब भी आ जाए इक्विडिस्टेंट। इसमें करना क्या होता है भाई, जैसे आपने आज तक पीछे जितने भी क्वेश्चन देखा होगा, जैसे अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा इंटरलेवल, इसमें आपने सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाया, आपका काम हो गया, बट मेरे भाई जब भी आप यहाँ पे इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भाई आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन होगा, बस ध्यान से सुनने जाना भाई, ये है आपके पास बी है, ये पॉइंट आपके पास पी है, यहाँ पे x एक्सिस दिया है, तो एक कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ, जब भी कभी भी आप ये रेशियो बनाओगे a होगा b होगा यहाँ पे p होगा, तो मेरे भाई जब भी x एक्सिस बोला है तो वो ऐसे होगा, y आपके पास 0 होगा, अगर ये y एक्सिस बोलेगा तो आपके पास y तो एडिटिव होगा, यहाँ पे x 0 होगा, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि x का एलिमेंट पहले ही रखा जाता है, तो ये भी बात आपको क्लियर होना चाहिए, तो समझे भाई, तो चलो फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपके सामने a की वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 माइनस में 2, फिर आपके सामने दिया है यहाँ पे माइनस 4 कोमा 2, और भाई x एक्सिस दिया है, तो मतलब आपके पास x तो ऐसे है, y आपके पास 0 है, ये पॉइंट समझे, अब यहाँ से पूरा फोकस लगाना दोस्त, देखो आपको करना क्या है, जैसे और सब क्वेश्चन में करते थे आप इसको एक्स वन मानते थे, वाई वन मानते थे, इसको एक्स टू मानते थे यहाँ पे, लेकिन अभी आपको इसे एक्स वन ही मानना है, कंबाइंड में आपको वाई टू मानना, बस कुछ पल के लिए आप ये फॉर्मूला समझो, आपके पूरे दिल दिमाग में घुस जाएगा फॉर्मूला, देखो दोस्त कहने का मतलब क्या है, आपके सामने ये एपी स्क्वायर होता है, फिर आपके पास यहाँ पे बीपी स्क्वायर होता है, समझे भाई, ये पॉइंट समझ आ गया, तो भाई आपको करना क्या है, ये आपके पास एपी है समझे, और ये आपके पास बीपी है, तो कहने का मतलब हो गया जब आपके पास एपी स्क्वायर है तो फॉर्मूला आप जानते इस तरीके का होगा, क्या होगा भाई, एक्स टू माइनस में ये एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का होल स्क्वायर बराबर में, आप जानते यहाँ पे क्या है, ये आपके पास में बीपी की स्क्वायर है, अब बाद में यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का यहाँ पे माइनस वन का होल स्क्वायर, बस आपको इतना कंडीशन रखना है, इस वाले एलिमेंट को इधर, इस वाले एलिमेंट को इधर, और जो ये वाले एलिमेंट है आप मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे, आप जो इधर वाले एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट को आप इधर से सॉल्व करोगे, और फिर आप इधर वाले एलिमेंट को कुछ इस तरीके से यहाँ से
ये सॉल्व करोगे। अगर आपने इतना कर लिया आपका आंसर कहीं भी गलत नहीं होगा। बट पीछे वाले में आप इसको एक्स वन बाय वन मानते थे, एक्स टू बाय टू मानते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कंडीशन आपको सेम रखना है। तो दोस्त क्या है यहाँ पे, एपी स्क्वायर बराबर में आपके फॉर्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन। अभी एक्स टू की वैल्यू कितना आपके पास, ये है आपके पास एक्स, वाई वन की वैल्यू कितना है आपके पास में टू, इसका होल स्क्वायर लगाओ प्लस, वाई टू की वैल्यू कितना अभी आपके पास, ये वाला वाई टू ये जीरो हो गया माइनस, वाई वन की वैल्यू कितना है माइनस प्लस ये हो गया, समझे दोस्त ये पॉइंट हो गया। फिर आपके सामने यहाँ पे जो बीपी वाला वैल्यू है, जो बीपी वाला ये आपके पास एक्स टू की वैल्यू क्या है, आपने ये वाला दोनों निपटा दिया यहाँ पे। फिर उसी तरह से एक्स टू जो है आपके पास, एक्स टू क्या है यहाँ पे, ये आपके पास एक्स टू जी एक्स ही है, और एक्स वन के जगह पे क्या है आपके पास माइनस, माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इसका स्क्वायर। बीच में वाई टू कितना आपके पास, वाई टू आपके पास जीरो है, यहाँ पे माइनस है, और वाई वन की वैल्यू आपके पास टू है, इसका हो गया स्क्वायर। ये बात तो समझ आ गया, कुछ भी नहीं है, बस मैंने क्या करा यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दिया, समझे भाई। अब आगे देखो क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई अभी आपके सामने, ये जो क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत ही अतरंगी क्वेश्चन बन रहा है। देखो आप कुछ मत करो, ये जो स्क्वायर है इससे कटवा दो, और जो ये बीपी का स्क्वायर था इससे कटवा दो, अब ये हम हो गया फ्री, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू ए बी, मतलब ये फोर हो गया, प्लस में ये जीरो हो जाएगा तो सीधा सीधा फोर हो जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, समझे भाई। ये हो गया यहाँ पे, ये कोमा ले लो यहाँ पे। फिर आपके सामने ये जो था यहाँ पे बीपी, ये समझे, इसके बाद क्या होगा सेम, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, ये बात समझे। फिर आपके पास यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या था टू था, तो ये हो गया सीधा सीधा फोर, ये बात सुन गया क्योंकि यहाँ कंडीशन था। देखो भाई ये जब इतनी बातें आ जाती है तो अब ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें समझ आ जाएगा। देखो दोस्त ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में फोर माइनस में फोर टू जा टू एक्स, क्या हो गया फोर टू जा सॉरी फोर टू जा यहाँ पे एट एक्स, कितना हो गया एट एक्स प्लस में फोर, समझे दोस्त, बराबर में बी पी बराबर में क्या है दोस्त एक्स स्क्वायर है, अब प्लस में ये 16 है, अब प्लस में ये 8x है, क्या भाई यहाँ पे 8x, एक बार देखिए भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये तो 2 है यहाँ पे ab के साथ आके यहाँ पे, फिर उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये तो भाई यहाँ पे क्लियर ही हो गया, माइनस में 2ab, 2a और b, यहाँ पे भाई 2 तो ये रहा, a ये रहा, b की वैल्यू भाई यहाँ पे 2 है, क्या b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 टू जा 4x होगा, क्या आ गया यहाँ पे ये 4x, अभी मिस्टेक हो जाता भाई, देखो ये क्या आ जाता है यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 4x, क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आएगा 4x, समझे भाई, ये हो गया 8x यहाँ पे, और 4 टू जा 8x प्लस में हो गया यहाँ पे 4, ये बात तो क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं दोस्त, ये एक्स स्क्वायर आप करो ऐसे ही, यहाँ पे 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया माइनस में 4x, ये आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस में ये कितना हो गया 20, अब प्लस में हो गया और 8x, समझे दोस्त। अब शिफ्ट कर दो इसको इधर लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिया एक्स स्क्वायर, ये प्लस में आप ऐसे रहने दो, माइनस का 4x ऐसे रहने दो, इधर आप इधर माइनस में 20 आ गया, ये माइनस में आपके पास 8x आ गया, ये गया 0, अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, है भाई समझे नहीं समझे, देखो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, लेकिन माइनस पे कितना चाहिए यहाँ पे, ये हो गया 12, प्लस माइनस, और देखो भाई ये तो गड़बड़ हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, बड़ी संख्या इसके साथ हो गया, ये हो गया 12x बराबर में 0, समझे भाई ये पॉइंट क्लियर। ये आपके पास माइनस में ये गया x, ये हो गया 0, इसको इधर से करो तो 12 में आ जाएगा, है भाई ये आ जाएगा नेगेटिव है, इधर क्या हो गया पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू यहाँ से काट दो तो x वैल्यू कितना आ रहा है, ये माइनस का बना रहा है क्या, एक बार भाई इसे चेकआउट करो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्त ये एक्स स्क्वायर ऐसे रह गया, ये एक्स को इधर लाया, एट को इधर रहने दिया, फोर को इधर ले आया, बीस को इधर ले आया, आठ एक्स को इधर ले आया, ठीक है भाई ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, आठ एक्स ऐसे रह गया, आठ एक्स ऐसे रहा, और ये माइनस और माइनस ये रहा, माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 हो गया यहाँ पे। फिर आपको समझ जो 8x आया था, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस का संख्या, यहाँ पे माइनस ऐसे रह गया, इसको जब मैं उधर फेंकूंगा मतलब उस साइड, तो पॉजिटिव आ जाएगा एक्स एस से माइनस वन, भाई आपके सामने देखो ये तो भाई माइनस वन आ रहा है, एक बार अपने आंसर भी चेक कर लेना क्या आ रहा नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, बट आपका पूरा पूरा पैटर्न जो है भाई 100 का 200% जो है आपके ये बनेगा, कितने भाई अगर मैं बात करूँ 200% आपके पेपर में आएगा दोस्त, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो, बस आपके सामने दो पॉइंट दिखा हुआ होना चाहिए, ये
क्या भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व करके इस तरीके से आंसर ला सकते हो। ये देखो ये जो है आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर भी ये क्वेश्चंस को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मांग सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। तो भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना इस क्वेश्चंस को, भाई समय कम है लेकिन भाई मैं स्पीड से सारी चीजें लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ते क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मतलब कि ये जो है आपके पास एक 75 मीटर क्या है आपके सामने, ये क्या कह रहा लाइट हाउस है जो ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है 75 दे रखी है सी लेवल से, एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू सिप 30 डिग्री 45 डिग्री। कह रही है मतलब एक तो है यहाँ पे 45 पे देख रहा है, एक जो है यहाँ पे कितने 30 दिख रहा है, ये पॉइंट समझ के। चलो भाई देखते हैं, ये आपके पास 30 और ये आपके पास 40 एंगल ऑफ डेप्रेशन है, तो आपको पता है कि एंगल ऑफ डेप्रेशन मतलब यहाँ से ऊपर से और नीचे की ओर देखिएगा, बट आपको इससे ज्यादा पाइप नहीं है। अभी मैं आपको क्लियरिटी बताता हूँ, ये आप सामने ए है, ये आप सामने बी है, ये आप सामने सी है, ये आप सामने डी है। तो मेरे भाई कहने का मतलब हो गया मेरे भाई, आप ध्यान से सुनते जाना जो बता रहा हूँ। तेरे भाई ये जो है आपके पास ये जो एंगल है लास्ट वाला, ये आपके पास तो 30 डिग्री है, ये जो है आपके पास कितना है 45 डिग्री है। लेकिन अल्टीमेटली आपके डेप्रेशन बोले या एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन करके सीधा सीधा कंडीशन निकाल देनी है। देखो दोस्त कहने का मतलब क्या कह रहा है, इसके जो बिहाइंड द अदर सिप है इसके डिस्टेंस फाइंड करने हैं। एक आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है, यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ध्यान से सुनो कैसे आंसर निकलता है इसका। दोस्त एक पॉइंट ध्यान सुनना, जैसे आप एक चीज देख पा रहे हो कि भाई सब कुछ दिया है, गिवन वन आप आराम से लिख लोगे, यहाँ पे गिवन वन क्या क्या लिख लोगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा आंसर बनाने के लिए क्या लिख दोगे, यहाँ पे ए बी इज अ हाइट 75 मीटर, ए बी इज अ हाइट लिख सकते हो, यहाँ पे हाइट लिखते हो विच इज 70 और विच देखो विच इज 75 मीटर है भाई, ये बोल सकते हो यहाँ पे। फिर आप बेस बोल सकते हो, बेस से इसकी लाइन बोल सकते हो जो कि आप समझे क्या डी सी प्लस में सी बी इक्वल टू हो रहा है आपके वी बी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ जोड़ के इसके बराबर होता है। तो भाई समझे नहीं समझे यहाँ पे ये सारी चीजें, बट अब हम सीधा मुद्दे की बात आते हैं जो मैं अभी आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपके सामने ए डी बी बनता है, एक बनता है ए सी बी, समझे। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी चीज देखते हैं। फिर भाई हम सबसे पहले लेते हैं पूरा कंप्लीट लेते हैं ए डी बी लेते हैं, ए डी बी ये हो गया ठीक है, ये भी डी बी हो गया हमारे सामने, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी बी 30 लेते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री मतलब थीटा, मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ए बी जो है आप सामने ये क्या, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस क्या हो गया आप सामने डी सी प्लस में सी बी, क्या हो गया दोस्त डी सी प्लस में सी बी, ये बात समझिए नहीं समझिए क्यों, क्योंकि आपको पता है मैंने एक कंडीशन बताया था पी बी पी, पी बी पी ये हो गया एच एच बी, ये हो गया पहला किसका होता है साइन का, ये किसका होता है कॉस का, ये किसका टेन का, पाकिस्तान भूख का पैसा हिंदुस्तान हर भरा, पी अपॉन बी इसका होता है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है नीचे दे रखा है, समझे दोस्त। चलो आप देखते हैं ये कंडीशन क्या है आपके सामने, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू है 75 अपॉन में डी सी एक्स हो गया, ये आप सामने वाई हो गया, समझ पा रहे हो बातों को भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ, ये एक्स प्लस में वाई बराबर में 75 ये हो गया √3, आप इसे पहला इक्वेशन कंप्लीट सॉलिड डिक्लेयर कर दो, ये बात को हटाओ यहाँ से, समझे भाई। ये पॉइंट हो गया पहला आपके सामने क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ट्राइंगल जो है, आप एक ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो जब एक निकल गया दूसरा क्या है ए सी बी, क्या भाई यहाँ पे ए सी बी कंडीशन क्लियर। ए सी बी में क्या क्या है मेरे भाई, ए सी बी में आपके अगेन भाई टेन क्या बनता है 45 इक्वल टू में क्या है ए बी, ए बी बट यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ इतने डिस्टेंस है सी बी की, इसकी वैल्यू 1 होता है, ए बी यहाँ पे 75 अगेन इसके लिए हो गया, और ये आपके पास वाई हो गया, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर कितना हो गया ये 75 हो गया, कोई दिक्कत, ये आप सामने हो गया इक्वेशन 2। जब ये चीजें हो गई है अब क्या ही दिक्कत भाई, इसके दोनों के डिस्टेंस निकालने में बस हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे y टू वैल्यू y1 में पुट करने पे पुटिंग देखो पुटिंग, अरे रुक जाओ, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, समझे भाई, ये कौन समझे। तो चलो देखते हैं क्या कंडीशन है, ये x प्लस में y बराबर में 75 √3 है, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, x को ऐसे रहे दोनों तरफ y हो गया, भाई देखो ये क्या यहाँ पे x को ऐसे रख देंगे, x भी तो ऐसे बनता है भाई,
एक्स वाई की वैल्यू कितना है यहाँ पे 75 बराबर में 75√3 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक्स वैल्यू तो आई गई 75√3, इसको माइनस कर देते हैं ना 75, तो कोई नहीं भाई ये एक्स के बराबर में क्या है, इन दोनों से मैंने 75 क्या लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में √3 माइनस वन बच गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1, ये कंडीशन आपके सामने आ ही गया। तो भाई क्या ही दिक्कत था ये बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आप दिक्कत लोगे तो कभी दिक्कत होगी हो नहीं होगी, फिर भाई इन सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं लेनी है, ये सारे क्वेश्चन अल्टीमेट है और बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई मेरे देश दिन मेरे दोस्तों जितने भी मेरे यार दोस्त प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप लोग को एक ही चीज बताता हूँ कि कंसेप्ट ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस दिया हो सीधा सीधा ड्रॉ करना और भाई ये कंडीशन ख्याल देना लास्ट में इतना है, अगर आपके सामने यहाँ पे √3 वैल्यू 1.73 देगा तो पुट करना है, नहीं देगा तो मत करना, सीधी सीधी बात है समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है और ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे यहाँ पे टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 20 और 30 डिग्री। कहने का मतलब एक ये टावर था, ये टावर यहाँ से था, पहले जो टावर था ये 60 डिग्री पे था, जब 20 मीटर और इसको यहाँ पे जॉइंट किया गया तो ये कितना बन गया, ये आपके पास बन गया 30 डिग्री जो कि 20 मीटर है, कितना भाई यहाँ पे 20 मीटर है, ये हो गया ए, ये बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, समझे भाई, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो क्लियर नहीं भाई, इसमें करना क्या है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, चलो मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो आसानी क्वेश्चन हो गया। हाइट ऑफ द टावर, इसके हाइट निकल, हाइट को लेट कर लो, ये 20 है, इसको एक्स मान लेते हैं, करना क्या है, सिंपल है भाई, देखो कहानी क्या है भाई, देखो ये तो आपके लिए बहुत मतलब रामबाल क्वेश्चन हो गया, कहने का मतलब क्या होगा, ए डी बी एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, सिंपल सिंपल बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है यहाँ पे दो एंगल भाई, इन सब पे बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल पूरा प्योर कंसेप्ट लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में, बस वही है डिस्क्रिप्शन में आप जाके वीडियो सेक्शन से चेकआउट कर सकते हो दोस्त, समझे भाई, गला सो गया भाई जब से करते करते बुलाते बुलाते, समझे, पर कोई बात नहीं भाई, मैं जानता हूँ आप लोग एक लाइक कर दोगे इसके लिए बहुत अच्छा, इतना समझ सब सेट हो जाएगा, समझे, तो भाई आप सभी ऑल द बेस्ट, एग्जाम पे बढ़िया एग्जाम करके आना, ठीक है, और भाई शेयर भी करना। ये देखो ये है ट्राइंगल, आप सामने ए डी बी लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, ए डी बी आपके सामने ट्राइंगल लेते हैं, तो ये बन गया 10 30 डिग्री, ये हो गया आप सामने ए बी हाइट अपन में, ये क्या हो गया अगेन डी सी प्लस में सी बी, सेम कंडीशन लग रहा है, ये 1/√3 बराबर में ये हाइट ऐसे दे रखा है, ये 20 प्लस में एक्स दे दिया, इसको करो 20 प्लस में एक्स बराबर में हाइट √3, ये तो सेट सा क्वेश्चन है, समझे, यहाँ से कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते तो ऐसे रहने तो इसको, या पुट करो तो कर लेना, नहीं तो यहाँ पे वैल्यू बना लो, इसको दूसरा ट्राइंगल बना लो, यहाँ पे कौन सा ए सी ए सी बी यहाँ बना लिया, ये 10 60 हो जाएगा, 10 60 बराबर में क्या हो गया आपके सामने ए बी अपन में क्या हो गया, ये हो गया सी बी, और 10 इसकी √30 होती है, यहाँ पे एच ऐसे है आपके सामने, इस पे लिया एक्स आ गया, ठीक है, एक्स नीचे 1, ये लो भाई √3 एक्स बराबर में एच, ये एच की वैल्यू यहाँ गई, अब पुट कर दो यहाँ पे, ये लो यहाँ पे पुट कर दो, क्या दिक्कत है भाई, आसान सा क्वेश्चन हो गया, मैं आधे पर रखे देखो आप लोग मुझे करके दिखाओगे, देखो ये 20 प्लस में एक्स बराबर में एच के लिए क्या पुट करना आपको, एच के लिए ये √3 एक्स है क्या, हाँ √3 एक्स ये हो गया, इंटू में √3 हो गया, समझे नहीं समझे, यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करेगा भाई, देखो ये कंडीशन क्लियर हो गया ना, एच के बराबर में √3 एक्स पुट करना था, यहाँ पे पुट कर दिया आपने, ये 20 प्लस में एक्स बराबर में, आप जानते हो कि √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल ये आता है, ये 9th क्लास की बात, आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ आप लोग कब से वीडियो देख रहे हो, क्लास 9 से हो या 10 में अभी जुड़े हो, या नहीं जुड़े हो या नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, तो ये हो गया आप सामने 3x क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद, ये मेरे भाई अगला क्या हो जाएगा, ओके ये हो गया 20 20 इक्वल्स टू, ये भाई इक्वल्स टू, अरे हो जा भाई हो जा, देखो भाई ये हो गया ये 3x, इसको इधर गए ये x 20 बराबर में कितना हो गया 2x, काट दो x वैल्यू हो गया 10, मेरे भाई ये तो सिंपल है, x वैल्यू कितना आ गया, ये 10 मीटर हो गया है, और यहाँ पे 10 और यहाँ पर पुट कर दो, ये जो है वैल्यू आपको सामने हाइट का, तो ये कितना है, हाइट के लिए क्या पुट करना पड़ रहा है, ये है 20x अब प्लस
प्लस एक्स बराबर एच अंडर रूट थ्री, ठीक है भाई यही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। ये 20 और ये 10, ये 30 बराबर में एच की वैल्यू कितनी आई है, ये एक्स हो गया यहाँ पे एच की नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दिया, और कंडीशन क्या है ये था भाई यहाँ पे क्यों पुट कर रहा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेगा तो सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा, देखो भाई यहाँ पे पुट करो, आप यहाँ पे पुट करो एक्स की वैल्यू के लिए, यहाँ पे रूट थ्री एक्स था बराबर में ये एच था, रूट थ्री ये इसकी वैल्यू 10 आ गई है यहाँ पे बराबर में एच, तो हाइट बराबर में हो गया 10 √3। बस सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं करना था, सीधा कंडीशन दिया आपने, सीधा अप्लाई किया यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन बन ही गया था, ये ट्रायंगल 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री जी तो एक्स की वैल्यू आई है, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू पुट किया √3x, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एच, 10 √3। समझे भाई, सिंपल सिंपल आंसर था, जो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो समझो आपका काम सेट है भाई, आप अच्छे लेवल पे कंसेप्ट भी सीख गए और बहुत सारी चीजें समझ भी आ गया भाई। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना, और भाई कल का पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो भाई सभी जने दिल खोल के लाइक करना, और भाई पेपर देखना कैसा बिंदास जाता है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो अभी मेरे भाई कर लो, क्योंकि ये पेपर आपको कल वाले पेपर में दिखेगा, तो मतलब ये दिखेगा समझे, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो ये पीछे मैंने आपको सेम क्वेश्चन पहले भी करवाए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी देखो, क्योंकि ये जो टैंक फोर वाला है ये वाला इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, और ये जो आपको प्रीवियस ये मैंने मीडियन वाला करा दिया है, ये मीडियन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अकेले कल और आज के वीडियोस में आपको पूरी पूरे 47 मिनट, और ये जितने खो जाए ये आपके सामने पीपीटी का है, तो मतलब ऑलमोस्ट मान लो आपके सामने सारा कंडीशन अप्लाई हो चुका है, जाके देखो चेकआउट करो, कंप्लीट वीडियो देखो, और कल के पेपर में आपको बात हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड जय हिंद।